परिवहन निगम में अब इलेक्ट्रिक बस आने वाली है। आगरा मथुरा के लिए मिलने जा रही इलेक्ट्रिक बस 200 किलोमीटर की परिधि में चलाई जाएंगी। इसके लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल का कहना है कि प्रदूषण रहित बस आना प्रस्तावित है, इसकी मुख्यालय पर तैयारियां चल रही हैं। परिवहन निगम में अधिकांश बस कंडम हो चुकी है। नई बस आने पर पुरानी बसों को नीलाम कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल का कहना है कि नगरीय बस सेवा की तरह अब निगम को इलेक्ट्रिक बस मिलने जा रही है। आगरा मथुरा के लिए मिलने जा रही इलेक्ट्रिक बस 200 किलोमीटर की परिधि में चलाई जाएंगी। रूट प्लान तैयार कर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। हमें ऐसी जानकारी लग रही है कि हमारे यहाँ आगरा मथुरा इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी ये जिला चुना गया है और हमारे विभाग में भी इलेक्ट्रिक बसों का आने की जल्दी ही संभावना है। ये इलेक्ट्रिक बसें 200 किलोमीटर की परिधि में चलेंगी। चार्जिंग स्टेशन एक यहाँ होगा, एक उधर वाले एंड पॉइंट पे होगा, तो 200 किलोमीटर की परिधि में ये बसें चलेंगी। प्रदेश में मिलने जा रही इलेक्ट्रिक बसों के लिए आगरा मथुरा चुना गया है। निगम को इलेक्ट्रिक बस मिलने पर वर्कशॉप बनाए जाएंगे। वर्कशॉप में चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए जगह देखी जा रही है। फिलहाल बस मिलना प्रस्तावित है, लेकिन मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों का मंथन चल रहा है। इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण रहित होंगी, इसमें फ्यूल का कोई कंजप्शन नहीं होगा और बैटरी से ये बसें संचालित होंगी। ये अभी प्रस्तावित चल रहा है। अभी इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस या कोई आदेश होंगे कि कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अभी तक तो यही जानकारी मांगी गई है कि हमारे 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में कौन कौन से एरिया आते हैं जहाँ पर कि हम बसों को संचालित किया जा सकता है। प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक बस चलाने का प्लान तैयार किया है। निगम को 100 साधारण बस मिलने की बात पिछले दिनों नोडल अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कही थी। इसके साथ इलेक्ट्रिक बस भी मिलना प्रस्तावित है। रोडवेज की 100 बस और इलेक्ट्रिक बस मिलने पर वर्तमान में सड़कों पर दौड़ रही कंडम बसों को विदा कर दिया जाएगा। नई बस मिलने पर सफर करने में यात्रियों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।